यार आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरा पूरा YouTube करियर खतरे में पड़ गया है। सोचो आप अपना फेवरेट चीज कर रहे हो और एक दिन सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाए। हाँ, मेरे चैनल में 2 कॉपीराइट स्ट्राइक लग गए हैं और अगर आप भी YouTube क्रिएटर हैं, तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप भी ये गलतियाँ की तो आपका चैनल कभी भी बैन हो सकता है। इमेजिन करो, आप अपने चैनल पर दिन रात मेहनत कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, फिर एक दिन ईमेल आता है, YouTube ने आपकी वीडियो हटा दी और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। आप सोचो, एक ईमेल और आपका पूरा चैनल डेंजर में। ये ईमेल देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरा चैनल अब बैन हो जाएगा? क्या मैं आगे अब वीडियो अपलोड कर पाऊंगा? ये सब सोच के मैं काफी टेंशन में आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया कि मुझे ये स्ट्राइक मिला, और आप ऐसी गलतियों से कैसे बच सकते हैं? आज मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं, ताकि आप भी इस ट्रैप में ना फंस जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। और हां, एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो आपके चैनल को सेव रखने में हेल्प करेगी। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है आशीष और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी गलती जो मैंने की, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक लग गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मेरे चैनल अब खतरे में है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको भी इस सिचुएशन से बचने में हेल्प करेगा। मेरी गलती की स्टोरी। कुछ टाइम से मैं अपने चैनल के ग्रोथ को लेकर काफी परेशान था। मेरे वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो रहे थे और मुझे चैनल को ग्रो करना था। फिर मैंने नोटिस किया 3-2 मूवी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और एक नया YouTube चैनल जिसने सिर्फ 5 दिन पहले ही नया चैनल क्रिएट किया है, उसने स्त्री मूवी अपलोड कर दिया और थंबनेल में स्त्री 2 लिख दिया, और सिर्फ 2 दिन में 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यू हो गए और 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए उसके। मुझे लगा ये तो शॉर्टकट है सक्सेस का। मैंने भी एक वीडियो बनाई और लोगों को बताया कि वो कैसे मूवी फ्री में देख सकते हैं, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 10 मिनट के अंदर मुझे YouTube की तरफ से एक मेल आया, मेरा वीडियो रिमूव कर दिया गया था और मुझे वार्निंग मिली थी। YouTube की मेल में लिखा था कि मैंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है जो लोगों को फ्री में मूवी देखने की सुविधा देती है, जो कि YouTube की पॉलिसी की अगेंस्ट है। मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इतने मेहनत से बने मूवी को लोग बिना पैसे दिए देखने लगेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ना तो तय है, और मेरे चैनल में 2 स्ट्राइक है, जिसका मतलब एक और गलती और मेरा चैनल खत्म। सोल्यूशन एंड सेफ्टी। अगर आपके चैनल में भी 2 स्ट्राइक लग चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि YouTube ने आपको वार्निंग दी है। अगर आप 90 डेज के अंदर और गलती करते हैं तो YouTube आपके चैनल पर 3rd स्ट्राइक लगा करके आपके चैनल को सस्पेंड कर सकता है। इसलिए अगले 90 डेज तक अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। कोई भी कॉपीराइट मटेरियल, म्यूजिक या मीम्स यूज ना करें। अगर आप मीम्स या कोई क्लिप यूज करना चाहते हैं तो 5 सेकंड से ज्यादा यूज ना करें। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी वीडियो की वजह से मुझे स्ट्राइक लगी, तो इंस्टाग्राम में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अब एंड में एक बोनस टिप। अगर आपके कंटेंट में कुछ भी ऐसा है जो कॉपीराइट हो सकता है, उससे पहले यूट्यूब की कंटेंट आईडी टूल्स चेक कर लो, ताकि आपको कोई वार्निंग या स्ट्राइक ना मिले। यूट्यूब में कंटेंट आईडी टूल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा इसे कैसे यूज करना है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। क्या आपके चैनल पे भी कभी स्ट्राइक आया है? अगर हाँ, तो कैसे हैंडल किया? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी क्रिएटिंग।